हेलो दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 1000 सिनोनिम जो कि एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में हम आपके लिए एक ही जगह उन सारे वर्ड्स को कंपाइल करके प्रोवाइड कराएंगे जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो ये इसका भाग एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ऑब्नॉक्सियस, जिसका मतलब होता है घृणा करना या घृणित करना। तो इसका आंसर होगा बी, डिस्गस्टिंग। और इसे रिलेटेड वर्ड है अबोरेंट, अबोमिनेबल, ऑफुल, फुलसम, नैस्टी, ऑडियस। अगला वर्ड है कोविनेंट, इसका मतलब होता है अनुबंध करना। तो इसका आंसर होगा सी, कॉन्ट्रैक्ट। इस रिलेटेड वर्ड है अकॉर्ड, अलाइज, कॉम्पैक्ट, कन्वेंशन, ट्रीटी। अगला वर्ड है डिफरेंस, इसका मतलब होता है आदर करना। तो इसका आंसर होगा सी, रेस्पेक्ट। इस रिलेटेड वर्ड है डोसैलिटी, ओबीडियंस, सबमिसिवनेस। अगला वर्ड एब्रोगेट, इसका मतलब होता है रद्द करना। तो इसका आंसर होगा ए, रिपल। इससे रिलेटेड वर्ड है एबेट, एबॉलिश, एनुअल, अवॉइड, डिसेनल, नलिफाई, क्वैश। अगला वर्ड है इंटरप्रेट, इसका मतलब होता है फियरलेस या निडर। तो इसका आंसर होगा फियरलेस। इससे रिलेटेड वर्ड है बोल्ड, करेजियस, डाउंटलेस, गट्टी, हीरोइक, लाइन हार्टेड, मैनफुल, वैलियंट। अगला वर्ड है प्रिसिडेंस, इसका मतलब होता है वरीयता। तो इसका आंसर होगा सी, प्रेफरेंस। इससे रिलेटेड वर्ड है प्रायोरिटी, राइट ऑफ वे। अगला वर्ड है इन, इसका मतलब होता है होटल। इससे रिलेटेड वर्ड होटल, लॉज, पब्लिक हाउस, टैवर्न, हॉस्टल। अगला वर्ड है सैटिएट, इसका मतलब होता है संतुष्ट करना। तो इसका आंसर होगा ए, सेटिस्फाई। इससे रिलेटेड वर्ड रिप्लीट, फुल, सैटिएटेड, स्टफ्ड, सफरेड, सरफीटेड। अगला वर्ड है इनिक्विटी, इसका मतलब होता है अनैतिक या दुष्ट। तो इसका आंसर होगा डी, विकेडनेस। इससे रिलेटेड वर्ड है करप्शन, डिप्रिवेटी, इमोरैलिटी, वाइस। अगला वर्ड है डिस्टेबल्ड, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना। तो इसका आंसर होगा ए, अनटाइडी। इससे रिलेटेड वर्ड है अनटाइडी, अनक्रैम्प्ड, स्क्रफी, मेसी, डिसऑर्डर। अगला वर्ड है बेनिवलेंट, इसका मतलब होता है परोपकारी। तो इसका आंसर होगा बी, चैरिटेबल। इससे रिलेटेड वर्ड है बेनिफिशियल, ह्यूमन, कंपैशनेट, गुड हार्टेड, काइंड, सिंपैथिक, टेंडर। अगला वर्ड है एक्यूमेन, इसका मतलब आंसर होगा बी, इनसाइट। तो इसका वोकैब है कैगनेस, कैनिनेस, शार्पनेस विथ नॉलेज। अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट, तो इसका आंसर होगा जब्त करना। तो इसका होगा सी, टू सीज बाय अथॉरिटी। अगला वर्ड है डीजनरेशन, इसका मतलब होता है क्षय करना या रद्द करना। तो इसका आंसर होगा बी, डिग्रेडेशन। इससे रिलेटेड वर्ड है डिकेडेंस, डिक्लिनेशन, डिक्लाइन, डिवोशन, डाउनफॉल। अगला वर्ड है क्लेमसी, इसका मतलब होता है दयावान। और इसका आंसर होगा बी, काइंडनेस। इससे रिलेटेड वर्ड है चैरिटी, मर्सी, फॉरबेरेंस, लीनियंस, लेनिटी, मर्सीफुलनेस। अगला वर्ड है ग्रैंडअर, इसका मतलब होता है वैभव। तो इसका आंसर होगा ए, मैग्निफिशेंट। इससे रिलेटेड वर्ड है ब्रिलियंस, ग्लोरी, गॉर्जियस, मैग्निफिशेंट, मैजेस्टी, मोबिलिटी, स्प्लेंडर, ग्रैंडनेस। अगला वर्ड है इंसेप्शन, इसका मतलब होता है आरंभ। तो इसका आंसर होगा बी, बिगिनिंग। इससे रिलेटेड वर्ड अल्फा, बेसिलाइन, कमिसमेंट, डॉन, स्टार्ट, बिगिनिंग। अगला वर्ड है कोलोसल, इसका मतलब होता है विशाल। तो आंसर होगा डी, एनॉर्मस। इससे रिलेटेड वर्ड है ह्यूज, गाइंट, हरकुलियन, इमेंस, मेमोथ, प्रोडिजियस, वेलोपिंग, वैकनेस, वैकिंग। अगला वर्ड है पैराडॉक्स, इसका मतलब होता है विरोधाभास या विडंबना। तो इसका आंसर होगा सी, पजल्ड। इससे रिलेटेड वर्ड है डिक्टोमी, इनकॉन्ग्रुइटी, कॉन्ट्राडिक्शन। अगला वर्ड है प्रोलिफरेट, इसका मतलब होता है उत्पन्न होना। और इसका आंसर होगा डी, रिप्रोड्यूस। तो इससे रिलेटेड वर्ड है
एक्सेलरेट, एक्यूमुलेट, माउंट, इंक्रीज, अगला वर्ड है मोमेंटस, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर होगा बी इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड वर्ड है मेजर, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, इवेंटफुल। अगला वर्ड है म्यूनिफिशियंट, इसका मतलब होता है उदार, तो इसका आंसर होगा बी जेनरस। और इससे रिलेटेड वर्ड है बिगहार्टेड, बाउंडफुल, फुलसम, अनस्प्रेयरिंग, लेबर, चैरिटेबल। अगला वर्ड है डिबासल, इसका मतलब होता है सर्वनाश, तो इसका आंसर होगा डी कोलैप्स। इससे रिलेटेड वर्ड है एपोकलैप्स, क्लाइलामिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफल। अगला वर्ड है कंसोर्ट, इसका मतलब होता है साथ जाना, तो इससे रिलेटेड वर्ड वोकैब है पार्टनर, तो इससे रिलेटेड वर्ड है चम, एसोसिएट, हैंग, हॉबनॉब। और ये आज का आखिरी वर्ड है सेंसर, इसका मतलब होता है निंदा करना, तो इसका आंसर है क्रिटिसाइज। इससे रिलेटेड वर्ड है रिबक, रिप्रिमेंड, रिप्रूफ, ऑब्जुरगेट, डिनाउंसिएशन। तो यह आज का भाग एक ख़त्म होता है। आपको ये सीरीज़ कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अपने कमेंट जरूर करें ताकि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।